हेलो गाइस, आज के वीडियो का टॉपिक है कोलैप्स ऑफ फिलिप्स कर्व। गाइस, जिस तरीके से हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि फिलिप्स कर्व क्या शो करता है, फिलिप्स कर्व शो करता है इनवर्स रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन फिलिप्स कर्व इनवर्स रिलेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ इन्फ्लेशन वॉज ब्रेक डाउन ड्यूरिंग 1970s एंड ड्यूरिंग 1980s। तो ऐसी कौन सी स्थिति थी जिसकी वजह से स्टेबल फिलिप्स कर्व ब्रेक डाउन हो गया 1970s एंड 1980s तक आते आते। इस ब्रेक डाउन की स्थिति को समझने के लिए हम लोग केन्शियन इकोनॉमिस्ट की हेल्प लेंगे। हम केन्शियन इकोनॉमिस्ट के थ्योरी के बेसिस में समझेंगे कि किस तरीके से केन्शियन इकोनॉमिस्ट ने फिलिप्स कर्व के ब्रेक डाउन की स्थिति को हमें समझाया है। मेनली जो ये ब्रेक डाउन की स्थिति बनी, इट वॉज विटनेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम्स। एक्चुअल में अगर हम केन्शियन इकोनॉमिस्ट की बात करें तो इस स्थिति को समझने के लिए हम एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। गाइस, एक्चुअल में हुआ क्या, 1970s एंड 1980s की वो स्थिति थी जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम्स में कुछ इस तरीके की स्थिति देखी गई कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो रहा है और साथ ही साथ रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ हो रहा है। जहां हमने बोला था कि स्टेबल फिलिप्स कर्व ये कहता है कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड जैसे जैसे रेट ऑफ इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होता है तो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, लेकिन यहाँ जो सिचुएशन थी ये अलग हो गई थी। एंड द सिचुएशन वॉज इट्स शोइंग द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दोनों ही बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहे थे। कारण क्या थे, द कार्टल ऑफ ओपेक। ओपेक कंट्री से जो भी ऑयल एंड प्राइस सप्लाई हो रहा था अमेरिका में वो बहुत ज़्यादा हाई प्राइजेस में हो रहा था। इट मीन्स प्राइस हाइक, जिसे हम कह सकते हैं एडवर्स सप्लाई शॉक, ये स्थिति देखने को मिली अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम में। जहाँ जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज़ हो जाते हैं, या फिर अगर हम ये बोले ऑयल एंड पेट्रोलियम के दाम ही बढ़ गए हैं जो कि एक तरीके से बैकबोन मानी जाती है इकोनॉमी के, तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये सारे इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो अगर हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करें तो हम ये देखेंगे कि प्राइस राइज के वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और सारी की सारी कमोडिटीज़ के प्राइस इंक्रीज़ हो रहे थे, जिसकी वजह से देयर वॉज एडवर्स नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द शोल्डर ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड दे स्टार्टेड कटिंग डाउन देयर प्रोडक्शन लेवल। और जहाँ प्रोडक्शन लेवल कम होना स्टार्ट हो जाता है, इट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीजेस इन द इकोनॉमी। तो यहाँ स्थिति क्या बनी, प्राइस लेवल इंक्रीज हुआ, प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाने के वजह से कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर्स स्टार्टेड कटिंग डाउन दियर प्रोडक्शन, इट एडवर्स इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज हो गया, प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स इट्स शोइंग द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस तरीके से केन्शियन इकोनॉमिस्ट ने एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई की हेल्प से हम लोगों को ये समझाया कि किस तरीके से स्टेबल फिलिप्स कर्व ब्रेक डाउन हुआ 1970s एंड 1980s के दौरान। और इस स्थिति को एक नाम दिया गया स्टैगफ्लेशन, जो एक न्यू सिचुएशन देखी गई थी इकोनॉमी में। अब इस सिचुएशन से कैसे करके ओवरकम किया जाए, ये इकोनॉमिस्ट इन कामों में लग गए थे। गाइस, इसके अलावा फ्रेडमैन किस तरीके से फिलिप्स कर्व के ब्रेकडाउन की स्थिति को एक्सप्लेन करते हैं, ये हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। I hope guys you will like my video and subscribe my video. Thank you so much. Bye bye.